मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व मीडिया सलाहकार माननीय श्री राजीव जैन जी इस समय हमारे साथ हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर क्या तैयारियां जो हैं वो भाजपा द्वारा हरियाणा भर में शुरू कर दी गई है। कितनी तरह की रैलियां कहां कहां और बूथ स्तर को किस तरह से मजबूत करती है? भारतीय जनता ऐसा जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। जितने भी दल हैं वो चुनाव के समय जो है नज़दीक आने पर ही चुनाव की तैयारियां करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल ग्राउंड पर काम करती है, कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत करती है। और अभी 1 साल के करीब जो है लोकसभा चुनाव में है, हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने जो है लोकसभा क्षेत्रों के दौरे शुरू कर दिए हैं। अभी 2 दिन सोनीपत और जो है रोहतक लोकसभा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी जो है विभिन्न सेक्टरों की बैठके और जो है लाभार्थियों से बैठके, प्रभुजनों से बैठके, वो सब जो है करके गए हैं। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 11 जून को गन्नौर में जो है 2600 करोड़ रुपए की लागत से जो एशिया की बिगेस्ट जो है सबसे बड़ी सब्जी मंडी बननी है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है सीवरेज का, सड़कों का, उसके लिए 2600 करोड़ रुपए की लागत से जो है आधारशिला रखे जाएंगे। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री सिरसा में 18 जून को रैली को संबोधित करेंगे। अभी नितिन गडकरी जी जो है ये 354 जो हमारा हाईवे बना है इसका जो है उद्घाटन करने के लिए। तो मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल और केवल जो है सरकार, अभी हमारी सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं, इन 9 वर्ष पूरे होने पर पूरा महीना जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के संपर्क में रहेंगे, 9 वर्ष की उपलब्धियां जो है जनता को बताने का काम कर रहे हैं, घर घर तक जो है उपलब्धियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजना का किसी को लाभ नहीं मिला है तो उसको लाभ दिलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से बूथ स्तर पर किस तरह से हरियाणा में देखिए, आज जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां जो है बेमिसाल ढेरों हैं। अगर हम उनको गिनवाने लगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपने भी जिक्र किया, धारा 370 है, राम मंदिर है, 3 तलाक है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को आगे बढ़ाना। आज जो है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, 160 रुपये के आटे के लिए लोग जो है आपस में वहाँ पर लड़ रहे हैं, 160 रुपये किलो आटा मिल रहा है, लेकिन भारत की हालत क्या है, भारत की जो स्थिति क्या है? आज देश में जो है भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, 12वें नंबर से जो है 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि कार्यकर्ताओं का संगठन, आज कांग्रेस है मुख्य विपक्षी दल है, उसके पास संगठन नहीं है। हरियाणा प्रदेश उसका उदाहरण है, 10 साल से यहाँ पर ना जिला अध्यक्ष है, ना कोई पार्टी के पदाधिकारी है, और ना ही कोई जो है विधानसभा स्तर पर कमेटियाँ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है उससे भी आगे बढ़कर पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है हमारे 90 में से जो है 15 विधानसभाओं में हो चुके हैं, और हमें जो है लोकसभा चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 15 प्रमुख जो है कि सम्मेलन कर रहे हैं, तो वो लगातार जो है जारी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जनता के संपर्क में रहता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। जिस तरह से हरियाणा में 10 लोकसभा और 90 विधानसभा, और क्या लगता है आपको कितनी बड़ी ताकत जो है 2024 चुनाव में दोनों चुनाव को मिलने वाले? देखिए, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नाम जो उपलब्धियाँ हैं वो पहले से भी और ज़्यादा बढ़कर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 10 लोकसभा सीटों में जो है कोई संशय हो, और 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। हरियाणा प्रदेश में पिछली बार जो है कुछ चीज़ें जो है ऐसी हो गई थी, और हमें भी जो है ये समझ में नहीं आया था कि जो हमारा 75 पार का नारा था वो 40 तक सिमट गया, लेकिन जो कमियां पिछली बार रही उन कमियों को दुरुस्त करके और दूर करके इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से जो है इस बात का संकल्प है कि पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भाजपा शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है, और बड़े स्तर पर रैलियां जो हैं वो केंद्रीय मंत्री भी करने वाले हैं, और खास बात ये है कि केंद्र में जो मोदी की उपलब्धियां हैं 9 वर्ष की, उनका जो है गुणगान भी किया जा रहा ताकि जनता को सच
पता लग सके। राजेश खत्री, सोनीपत।